दिल्ली के शावर डेयरी में 16 साल की लड़की साक्षी गौतम की साहिल खान नाम के लड़के द्वारा चाकू के वार से निर्मम हत्या कर दी गई थी। सर्व समाज में इस घृणित अपराध के प्रति रोष व आक्रोश व्याप्त है। साक्षी को न्याय दिलाने और समाज में जागरूकता के निमित्त सर्व हिंदू समाज के द्वारा एक विशाल जन आक्रोश महासभा का आयोजन सर्व समाज एकता मंच के द्वारा घटना स्थल के निकट छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर किया गया, जिसमें मंच पर शाबर डेयरी क्षेत्र के सभी समाजों के प्रमुख मौजूद हुए और हजारों की संख्या में लोगों ने इस जन आक्रोश महासभा में हिस्सा लिया। इस महासभा की शुरुआत टेक्निकल इंस्टीट्यूट रोहिणी के छात्रों के द्वारा साक्षी गौतम के साथ घटित घटना के नाटकीय रूपांतरण के साथ हुई। इन सभी ने साक्षी के साथ हुई घटना की न केवल घोर निंदा की, बल्कि सर्व समाज को एकजुट होकर समाज विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ने और इनके विषय में हर घर जागरूकता फैलाने का निवेदन किया। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई साक्षी को न्याय दिलाने तक की नहीं, बल्कि उसके बाद कोई और बेटी साक्षी की तरह किसी दरिंदे की शिकार ना बन सके, इसके लिए समाज को एकजुट कर जागरूक करने की जरूरत है। महासभा का मंच संचालन रजत शर्मा ने किया। असल न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। जो काफरों को मार मार करके गंज कर दे, पहाड़ बना दे, उसे गाजी कहते हैं। उस गाजी पर हम छत्र चढ़ाते हैं। जो राजा महाराज उनसे लड़ते लड़ते मर गए, उनकी समाधि पर घास जमी है और जेहादियों पर छत्र चढ़ाते हैं, तो यही तो होगा, यही होने वाला है। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, हर गली में हर मोहल्ले में इस प्रकार के लोग हैं, निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। हिंदुओं, आपको अपनी बहन बेटी सुरक्षित रखना है, देश सुरक्षित रखना है, संस्कृति सुरक्षित रखना है, तो जागना पड़ेगा। देखो जो कुछ कर रहे हैं उनका धर्म ग्रंथ यही कहते हैं, पर तुम्हें वो नहीं कर रहे हो, तुम्हारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। तुम्हारे रामायण में गीता में केवल ढोलक बजाना ताली बजाना नहीं सिखाया, प्रसाद खिलाना नहीं सिखाया। याद करो, एक श्री सीता जी का हरण हुआ, पहले रावण को समझाया गया, भाई साहब मान जाओ। माना क्या? नहीं माना तो सोने की लंका जलाई गई कि नहीं, बोलो। भविष्य का घर बचाया गया कि नहीं? अब क्या जलाना है क्या बचाना है निर्णय करो, क्या करना है निर्णय करो। एक सीता का हरण हुआ था, लंका को जला दिया गया था, उलट पुलट के लंका जारी। हम सो रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, बात खत्म, ये शुरुआत है। एक सीता का हरण हुआ, लंका को जला दिया गया। इतना ही नहीं, राम विमुख सहाल तुम्हारा, रहान कुल को रोवन हारा। गिर जाता है, रोने लगता है ना, तो माताएं सोचती है चुप हो जाए, इसलिए क्या कहती है, चींटी मर गई, पाप लग जाएगा, पाप लग जाएगा। जैसे दुनिया भर का पाप केवल तुम्हारे हिस्से में पड़ा है, अर्जुन ने भी यही कहा था, क्योंकि हम अपने धर्म ग्रंथ पढ़ते ही नहीं है। ये दृश्य जो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को बताते ही नहीं कि हमारे गीता में रामायण में महाभारत में क्या लिखा है। अर्जुन ने कहा था भगवान कृष्ण को, हे योगेश्वर, ये सामने खड़े लोग मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा पड़ोसी है, भाई जान है। ये जान भी ले ले तो क्या दिक्कत है, भाई जान है, और भाई इसलिए बनाए कि जान ले ले, जान लेने के लिए तो भाई बना है। अर्जुन ने कहा इनको मार करके मैं स्वर्ग भी नहीं लेना चाहता हूं। भगवान कह सकते थे ओम शांति, बहुत अच्छे, छावास, ऐसे ही करो। कहा क्या,
भगवान कृष्ण ने कान पकड़ करके कहा, कौन थे या प्रतिगामी, ये युद्ध तुम्हें राजा बनाने के लिए नहीं है, ये युद्ध कौरवों को हराने के लिए और महाराज धर्मराज को राज्य देने के लिए नहीं है, मेरा वो लक्ष्य नहीं है। अर्जुन ने कहा फिर क्या लक्ष्य है? भगवान ने कहा था मेरा लक्ष्य है दुष्टों का संहार करना। बोलो गीता में लिखा है कि नहीं लिखा है? अरे हिंदुओं कब तक चुप बैठे रहोगे, तुम्हारे मंदिर खाली पड़े हैं, कोई घंटी बजाने वाला नहीं है और उधर बैठे को जगह नहीं है, युद्ध करोगे? मैं इस मंच से कह रहा हूं, आपके प्रत्येक मंदिर में सिखाया जाता है चींटी को मारना पाप है, और वहां प्रत्येक मदरसे में प्रत्येक मस्जिद में एक ही बात सिखाई जाती है, तुम्हें जिहाद करना है, तुम्हें गाजी बनना है। गाजी गा बजा के नहीं बनते, नाच कर नहीं बनते। बेटियां उनके हिसाब से जीवित नहीं रहनी चाहिए, अगर जीवित भी है तो तड़प तड़प कर जीनी चाहिए, एक एक मिनट मिनट वो तड़पनी चाहिए। तो वो तड़पेगी कब, जब उसके साथ हर दिन कितने लोग बलात्कार करेंगे। जो सभ्यता, जो कुसभ्यता अपनी लड़कियों का सम्मान ना जानती हो, जो अपनी बेटियों का सम्मान ना जानती हो, वो हमारी बेटियों का सम्मान कैसे रख पाएगी। अभी हमने पीछे तालिबान की घटना देखी है, तालिबान की घटना में वो जो तालिब हैं, वो जो जिहादी हैं, वो एक लड़की के घर जाते हैं, लड़की का बाप आगे बैठा है और वो कहते हैं कि भाई लड़की कहाँ है, लड़की को बुलाया जाए, लड़की नहीं आती, कमरे में होती है, 10 जिहादी जाते हैं उस कमरे में, एक एक करके उसका बलात्कार करते हैं, एक एक करके बलात्कार। जब बाहर निकल आते हैं, लड़की बाद में आती है, बोले अबू तूने मेरे को बचाया क्यों नहीं, वो कहता है बेटी ये लोग जिहादी हैं, इनके लिए सब कुछ समर्पित करना हमारा हो गया था। उसमें भी यही था कि मुनि लोग तपस्या नहीं कर सकते, हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं रह सकती। भगवान राम ने अपना राजपाट त्याग दिया और गए उस अत्याचारी के गढ़ में और अपने घर से कोई सेना नहीं लेकर के गए। दो भाइयों ने ठानी के इस रावण का हम अंत करके रुकेंगे, दो भाइयों ने ठानी थी और दो निकले थे अयोध्या से और समुद्र तक कितने पहुंचे थे, दो भाई अयोध्या से निकले, 2,00,000 लोग समुद्र तक पहुंचे। तो ठानो जो भी दो लोग तैयार हो जाए अपना जीवन देने के लिए, एक क्षेत्र में दो तैयार हो जाओ, हम राम भगवान की तरह नहीं हो सकते, तो कम से कम अपने क्षेत्र के उत्तरदायित्व लो, अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी लो कि मेरे क्षेत्र में एक भी बेटी के साथ कोई बलात्कार कोई अत्याचार कुछ नहीं हो सकता। अरे ये लोग वो है, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, डरने वालों के कदमों में जहान होता है। और इसी के साथ आप सब यहाँ पर आए, आप सबके चरणों में नमस्कार करता हूँ और निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके कि को इस लड़ाई को हम आगे लेकर के जाए, साथी और साथी जैसी अन्य माताओं बहनों के लिए हम लोग एक ही उन्हें दोनों आफ्ताब नाम का सामान्य व्यवहार कर रहा है लेकिन उसके फ्रिज में टुकड़े कर करके रखा है। दूसरा एक बात हो रहा है, उसने सामान्य रूप से कोई बात नहीं बताई फ्रिज को, लेकिन जब उसका नार्को टेस्ट हुआ वो पढ़ने लगा। जिसमें क्या दोष है, क्या संस्कृति को या माता पिता को नहीं, या फिर अभी माँ है, महिला है, क्या संदेश दे? और एक कदम ले
और हमें ना पुलिस का इंतजार जो आक्रोश यहाँ से आप लोग लेकर के जा रहे हैं जो खुद नहीं जा रहे जब तक अपना जब तक आप लोगों के हमें जवाब देने चाहिए ऐसे जयचंदों को हमें पैसे निकाल कर चौराहे पर पक्कल उतारना नहीं बेटियों को क्या संदेश देंगे बेटियों को समाज बनाने के लिए जब तक एक बेटी को 9 महीने पेट में रखती है उसका बाल उसका भाई उसका पालन पोषण करता है उम्र में जब बड़ी हो जाती है और बड़ी होकर इतना नासमझ हो जाती है कि वो अपने घर बिल्कुल भूल जाती है एक जिहादियों के चक्कर में वो नाम बदल कर और उन लड़कियों को गुमराह करते हैं उन लड़कियों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जब तक आप नहीं सुधरोगे तो हमारी बहन बेटियाँ ऐसे सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। ये ना आक्रोश का महासभा का आयोजन किया है क्या मोटे क्या संदेश दिया संदेश देना चाहते हैं हम इस आक्रोश महासभा से इनकी भाषा में ही संदेश देना चाहते हैं चंद दिनों में होगी चर्चा वह दिन नजदीक आ रहा है खुद ही देख लेंगे लोग जनाजा किस किस का जा रहा है जनाजा किस किस का जा रहा है।